राम राम राम। अच्छा भैया ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? हम मक्का का बीज का पीएचबी कल्चर से उपचार कर रहे हो। हाँ भैया ये बताओ कि तुम मक्का का बीज को उपचार पीएचबी कल्चर से क्यों कर रहे? मक्का के बीज का पीएचबी कल्चर का उपचार करने से ये फायदा रहे कि एक तो फफूंदनाशक बीमारी नहीं लगती और पौधे स्वस्थ रहे और पैदावार भी अपना अच्छी मिले। अच्छा भैया तुम ये बताओ कि पीएचबी कल्चर से मक्का के बीज को तुम उपचार करो एक में तुमको क्या क्या सामग्री लगे? एक तो थैली लगत बिछावने की प्लास्टिक की। एक किलो मक्का का बीज के लिए 5 ग्राम पीएचबी कल्चर भी लगा। एक किलो मक्का का बीज, एक तगारी भी लगा, आवश्यकता अनुसार पानी भी लगा। अच्छा भाई मगर तुम ये बताओ कि तुम जो मक्का के बीज को उपचार करो पीएचबी कल्चर से काम तुम कैसे सावधान रखना पड़े? पानी उतरो नाखनो चाहिए जो काम कि अपना मक्का में अंदर पीएचबी कल्चर अच्छी तरह से चिपकी जाए और न ज़्यादा गिलो हो न कोई दाना सो कि काम पीएचबी कल्चर नहीं लगे उतरो पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। मक्का को बीज उपचार करने का अपन जब कर रहा था मक्का पीएचबी कल्चर से तो बीज उपचार करने के बाद में मक्का का बीज का अपन आधा घंटा तक अच्छे से सूखे लेनी चाहिए और बाद जो के लगाओ या चोपनी चाहिए होकर और अपने बीज उपचार कर लियो अपना सुखाने के बाद में उन्हें दिन एक की बीज के बोई देनी चाहिए जितना अपने बीज ने उपचार करियो तो पूरा बोई होनी चाहिए एक दिन में। अच्छा मग तुम ये बताओ जिना दिन अपन उपचार करें उन्हें दिन बोनो क्यों जरूरी है? एक दो दिन बाद भी नहीं बोई सकता होगा? जितना अपने पीएचबी कल्चर को मक्का बीज उपचार करियो उतरो बीज तो अपना उन्हें दिन बोई देनी चाहिए और अगर रह जाए तो मतलब अपना बहुत भारी नुकसान है अपना बीज तो मतलब काम करा होगा मगर फायदा अपना कहीं नहीं मिलता पीएचबी कल्चर से जो।